वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इन थ्री वेज. अभी हमने डिस्कस किया पहला पॉइंट कि अगर क्यू चार्ज है आर ए और आर बी, अगर ये क्यू चार्ज गिवन है और ए पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 pi epsilon naught Q/r. और अगर बी पॉइंट पे निकालना है तो क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q/r. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं वी ए माइनस वी बी पूछूं तो दोनों को माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट, ये बताओ कि ए का पोटेंशियल बड़ा होगा कि बी का पोटेंशियल बड़ा होगा. ए का क्यों बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड टू. आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि सपोज क्यू चार्ज है और आपने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को बी से ए पे उठा के रख दिया, तो आप अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ, कितना काम आपको करना पड़ा क्यू नॉट चार्ज को ए पे रखने के लिए. क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्यू क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल. आपको काम तो करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्शन. तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो कैसे डिसाइड करने, समझ में आ रहा है, दैट इज वी ए माइनस वी बी. आपको क्वेश्चन में क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना आता है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना आता है, टेस्ट चार्ज गिवन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. ये पॉइंट भी क्लियर है, सेकेंड मेथड क्लियर है. तीसरा, अगर आपको क्यू चार्ज नहीं गिवन, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्यू चार्ज नहीं गिवन, हाँ पर यहां पर यह जरूर पता है कि कोई चार्ज पड़ा हुआ है, वो चार्ज ए और बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल लगाएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. जिन क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. ये रूल है, उसमें ये डेफिनेशन यूज करेंगे. अब लिमिट क्या पुट करेंगे, हम टेस्ट चार्ज को बाय डिफॉल्ट कहां से कहां लेके आएंगे, बी से ए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ता है. तो जो ए पॉइंट है वो आपकी कौन सी लिमिट है, फाइनल, और बी आपका क्या है, इनिशियल. तो लिमिट में इनिशियल से फाइनल, और क्योंकि आप बी पे, बी से ए पे आए तो ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल, और ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल. तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट लगाने में इनिशियल और फाइनल. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अब ये तो मैंने मेथड बताया, अब इसको करके दिखाता हूं. जैसे आपके पास 10 कूलम का चार्ज है, 3 मीटर पे आपको VA बताना है क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught 10/3 डन. 10 कूलम का चार्ज है, B पॉइंट पर V बताना है 1/4 pi epsilon naught 10/5, ठीक. पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपली दोनों को माइनस कर दो, डन आंसर, कोई डाउट इसमें. दूसरा क्वेश्चन, इमेजिन करो ये 3 कूलम का चार्ज है और इमेजिन करो एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज 2 कूलम का बी से ए पे उठा के रख रहे हो, ठीक, बी से ए पे उठा के रख रहे हो. आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, कितना काम करना पड़ेगा आपको चार्ज 2 कूलम को बी से ए पे उठा के रखने के लिए, ठीक है. तो ऐसे केस में 3 कूलम का चार्ज ए पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा 1/4 pi epsilon naught 3/2, 3 कूलम का चार्ज बी पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा 1/4 pi epsilon naught 3/5. तो बी से ए पे टेस्ट चार्ज आ रहा है 2 कूलम, टेस्ट चार्ज पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करता, टेस्ट चार्ज नहीं करता, तो टेस्ट चार्ज का ना ई ना वी. तो डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो VA VB हमने निकाल लिया, टेस्ट चार्ज हमें गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. ये दूसरा मेथड. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, x एक्सिस पे डिपेंडेंट है 2x i कैप, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको A और B का, आपको ये चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन, आपको 2 मीटर 3 मीटर गिवन है, तो जिस भी क्वेश्चन में ई वेक्टर गिवन हो वहां पर क्या लगेगा, माइनस ई वेक्टर डॉट
dx वेक्टर, वैसे dr करवाया था पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे चल रहा है, x, तो यहां पर क्या आएगा dx। क्लियर है यहां तक? तो कहां से कहां आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो? इमेजिन करो किसी भी टेस्ट चार्ज को आप b से a पे लेके आ रहे हो, तो a आपका फाइनल, b आपका इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस में लिमिट क्या लगेगी, 3 से कहां लेके आ रहे हो, 2, 3 मीटर से 2 मीटर पे लेके आ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। e वेक्टर की वैल्यू पुट करो 2x i कैप, dx के पीछे i कैप, वो क्यों, क्योंकि x एक्सिस में है dx, i कैप डॉट i कैप क्या होता है 1, तो ये टर्म आ गई, यहां से 2 बाहर आ गया, ठीक, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 3 से 2, एक बार x की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको ये तीन मेथड समझ में आ रहे हैं कि जिसमें तो e वेक्टर गिवन है उसमें तो माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, अदरवाइज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा ये प्रैक्टिस है, आज हम ये करेंगे। तो तीन मेथड क्लियर है, कोई भी मेथड कभी भी यूज होगा। नेक्स्ट है, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है, आपको 9 कूलम और 7 कूलम फिक्स्ड चार्जेस गिवन है, ये मूव नहीं करेंगे, एक टेस्ट चार्ज है 5 कूलम, ये टेस्ट चार्ज को उठा के आपने ए से कहां पे रख दिया, बी पे रख दिया, टेस्ट चार्ज को आपने ए से कहां रख दिया, बी पे रख दिया, टेस्ट चार्ज वी और ई में कंट्रीब्यूट नहीं करता। आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज 5 कूलम फ्रॉम ए टू बी। तो रूल क्या है, जो भी आप वर्क डन निकालोगे ए से बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है, वी बी, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, वी ए, तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। अगर मैं आपको वी बी और वी ए बता दूं तो आप मुझे वर्क डन निकाल के दे सकते हो। तो वी बी वी ए कैसे निकलेगा बताओ, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, एक तो 7 कूलम लगाएगा और एक 9 कूलम लगाएगा, क्योंकि ये तो लगाएगा नहीं टेस्ट चार्ज है, तो 9 कूलम कितना लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 डिवाइडेड बाय 3, और 7 कूलम क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, 9 कूलम लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 डिवाइडेड बाय 2, और 7 कूलम क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 डिवाइडेड बाय 3। तो वी बी वी ए आ गया, वी बी और वी ए को उठा के यहां पर पुट कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या और कैसे रूल लगेंगे? इसके ऊपर अनसॉल्व प्रॉब्लम आज मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आपने होमवर्क सबमिट करना है अगली बार अपने होमवर्क कॉपी में, तो सारी शीट को आपने सॉल्व करना है, डाउट्स हम करेंगे डिस्कस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार निकालें प्लीज। रूल क्या लगाओगे, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 10 की पावर माइनस 9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। बस आप मुझे ये बताओ कि 10 की पावर माइनस 9 कूलम कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जिसको उठा के लेके आ रहे हैं वो टेस्ट चार्ज है, कहां से कहां ला रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट यहां लेके आ रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज 10 की पावर माइनस 9 इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल ये पोजीशन क्या मानी जाएगी, फाइनल, ये क्या मानी जाएगी, इनिशियल, तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहां तक? तो वर्क डन
डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू ए पॉइंट का पोटेंशियल, अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल तो क्या होता है, जीरो, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा कौन, ये लगाएगा और ये लगाएगा, इसमें ना वन मीटर गिवन कर लेना, मैं देना इसमें ये आंसर नहीं आएगा, वन मीटर कर लेना, तो पोटेंशियल 1/4πε03 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4πε03 इंटू 10 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये लो, ये आपके पास वी ए की वैल्यू आ गई। वर्क डन के लिए इसको वी ए से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, नेक्स्ट, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, तो रेशियो निकालो, पोटेंशियल एनर्जी का 3 चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, 1/4πε0 माइनस क्यू, और क्यू की वजह से क्या होगी, डिवाइडेड बाय आर, क्यू और माइनस क्यू की फिर से एक बार क्या होगी, डिवाइडेड बाय आर,
माइनस क्यू माइनस क्यू की क्या होगी, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना, 2R, और ये पोटेंशियल एनर्जी का सम वो क्या रहा है, क्या इक्वल टू जीरो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो जीरो से कट ही गया, आर 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 भी गया, तो क्या बचा, माइनस क्यू क्यू बाय वन माइनस क्यू क्यू बाय वन प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जीरो, क्यू 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 भी गया, तो क्या बचा, माइनस टू क्यू प्लस क्यू बाय टू इक्वल टू जीरो माइनस टू क्यू माइनस क्यू बाय टू, तो क्यू बाय क्यू की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, 1:4 आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है, सपोज दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चलते हैं और इनिशियली वो इन्फिनिटी पे हैं, वो पास आते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10^6 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब उनके बीच में डिस्टेंस आर नॉट रह गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने सुना होगा एक न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ मूव करता है, तो हेड ऑन कोलाइड करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो कितनी दूरी पे रुक जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सेम है, नेगेटिव नेगेटिव पास आ रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, तो कितनी दूरी पे रुकेंगे उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट आपको निकालना है। कभी भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की प्रॉब्लम आती है, एक ही तरीका है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जब ये इंफिनिटी पे है दोनों इलेक्ट्रॉन्स और जब ये आर नॉट पे आ गए तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम रहेगा। कैसे, यहां पर शुरू में इंफिनिटी पे काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दोनों की आ गई। पोटेंशियल कितनी है बोलो, जीरो, क्यों, डिस्टेंस क्या है, इनफिनिटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई इनफिनिटी, 1/इनफिनिटी क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल इनफिनिटी पे क्या होती है, जीरो। तो ये क्या आ गई, शुरू में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। जब ये पास आ गए यहां पे तो काइनेटिक क्या होगी बोलो, दोनों की जीरो, रुक गए इस इंस्टेंट पे, उसके बाद रिपेल हो गए बात अलग है, पर इस इंस्टेंट पे रुक गए तो काइनेटिक की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। पोटेंशियल कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाय आर नॉट, पोटेंशियल आ गई। आपको इलेक्ट्रॉन का मास केमिस्ट्री से पता है, वेलोसिटी आपको गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा, आर नॉट। लंबी कैलकुलेशन है बट मेथड क्लियर है सबको कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर नॉट। तो आज की बात कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल से, ठीक है यहां तक।
पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन चार्जेस हैं, पहला चार्ज है q, दूसरा 2q, तीसरा 8q, छोटा बड़ा और बड़ा, ये एक लाइन में पड़े हुए हैं, 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। फाइंड पोजीशन वेयर चार्जेस शुड बी प्लेस्ड। देखो दो दो कॉर्नर पे रखेंगे, एक कहां रखें 9 सेंटीमीटर के बीच में, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए, जीरो, जीरो की मिनिमम, मिनिमम ओके, मिनिमम कम से कम हो। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट ऐसे करता है, क्यू टू क्यू एट क्यू, हर कोई ऐसे, मैं भी ऐसे ही करूंगा, पर एक प्रॉब्लम है, ये दो बड़े बड़े चार्जेस हैं और डिस्टेंस आपने उनके बीच में क्या कर दिया, कम, तो एनर्जी कम नहीं होगी, उल्टा एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू वन क्यू टू बढ़ गया और डिस्टेंस उनके बीच में कम हो गया। तो चार्जेस की पोजिशन ऐसे ना रखें, बड़े बड़े चार्जेस को दूर दूर रखें, दूर से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप कम से कम आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? और बीच में रखें कहीं पर भी q एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो ये क्या है, 9 - x, क्योंकि इसमें डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो सिस्टम की एनर्जी बोलो क्या होगी इसमें, 1/4πε0 2q × q/x इंटू 10⁻², क्यू और 8q की, क्यू इंटू 8q 9 - x 10⁻², और लास्ट 2q और 8q की 9 × 10⁻²। तो सिस्टम की एनर्जी आ गई, उसने कहा एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, तो मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है, हम मैथ्स में करेंगे भी नॉन मेडिकल, हमने प्लस वन में भी किया था, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है, क्या निकालना है, एक्स, तो इसको du/dx इक्वल टू जीरो, तो u की पूरी वैल्यू पुट कर दी, इसका d/dx किया इक्वल टू जीरो, जो आखिरी टर्म है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या देगी, जीरो, इसको तो छोड़ ही दो, जो बाकी जो दो टर्म बची ये कांस्टेंट जीरो से कट जाएगा, क्यू 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 स्क्वायर भी कट जाएगा, 10⁻²² भी कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 2/x और यहां पे बचेगा 8/9 - x, तो d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म, d/dx ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो, यहां से 2 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x⁻², 8 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d/dx ऑफ 9 - x⁻², यहां से पावर रूल -1 x⁻², -1 9 - x⁻², इंटू d/dx ऑफ 9 - x, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और इसकी 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये टर्म राइट पे गई तो हो गई माइनस, माइनस माइनस फिर से क्या हो गया प्लस, तो x⁻²² को नीचे लेके आए 1/x², इसको नीचे लेके आए स्क्वायर, अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद ही आंसर आया, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, नॉट फॉर नीट भी लिख लेना, मेंस की प्रॉब्लम है ये, ठीक। वो नॉन मेडिकल वालों के कंपटीशन में ही आएगी ना, एनसीईआरटी में भी इतना मैक्सिमम नहीं आता ना, नीट में आता है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। अब ये एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग चार्ज 0.2 कूलम फ्रॉम 0 to 2 meter at an angle of 60 degree charge joule है, sorry, वर्क डन निकालना नहीं है, वर्क डन गिवन है,
तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और दो पॉइंट्स जो हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पे है और डिस्टेंस 2 मीटर 60 डिग्री पे है। पॉइंट टू कूलम को 60 डिग्री पे लेके जाना है यहां से यहां तक। तो डी आर वैक्टर अगर मैं ये लूं तो डी आर वैक्टर और ई वैक्टर में एंगल क्या है? 60। तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ई और डी आर इनमें एंगल है। तो इसके अंदर आपको, आप कुछ मत करो, आपको वर्क डन गिवन है ना, तो वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इसमें अगर करेंगे तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है? 60। तो एफ आर कॉस 60, कॉस 60 क्या है? हाफ। फोर्स की वैल्यू क्या है? क्यू ई, एफ इज क्यू ई। आपको वर्क डन पता है, आपको चार्ज पता है, आपको ई निकालना है, आपको आर 2 मीटर पता है, आपको कॉस ऑफ 60 पता है। सॉल्व करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।